पहले आप मुंबई की राह पर थे, लेकिन अब आप दिल्ली की राह पर चले गए, क्या कुछ आपको आइडिया आया कैसे आप दिल्ली और सुल्तान बनाने की, सुल्तान ऑफ दिल्ली बनाने का सोचे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम कहानी नहीं ढूंढते हैं, कहानी हमको ढूंढ लेती है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, तो मुझे बिल्कुल एक मेरे थॉट में था नहीं कि मैं मुंबई अंडरवर्ल्ड पे कुछ बनाऊंगा, लेकिन एकता ने एक आइडिया मेरे सामने रखी और फिल्म बन गई। उसी तरह इस जर्नी का भी जो इस जर्नी की भी जो शुरुआत थी वो एक नॉवल से हुई जिसका नाम है सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है। वो नमित शर्मा मेरे प्रोड्यूसर मेरे सामने उन्होंने मुझे किताब दी और मुझे किताब बहुत पसंद आई और वहाँ से बस सफ़र शुरू हो गया। आप अगली बार कहेंगे तो हम हैदराबाद चले जाएंगे। जैसे कि स्टेप से इसको बनाने में 3 साल लगे हैं, और एक आप एक नॉवेल से एक स्टोरी बना रहे, तो एक कितना डिफिकल्ट होता है कि नॉवेल में बहुत सारी बहुत चीजें लिखी होती है, लेकिन उसको एक स्टोरी में बताना, एक वेब सीरीज में बताना। हमने नॉवेल को एक्चुअली ब्रेकअप किया है 3 हिस्सों में, जो हम 3 सीजन बनाएंगे इस शो के। और मुश्किल तो नहीं, मैं कहूँगा आसान हो जाता है, क्योंकि आपसे पहले किसी ने 2-3 साल सोच अपनी लगाई है, मेहनत की है, और जो कहानी के जो फाउंडेशंस होते हैं, जो पिलर्स होते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जो उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, बिगनिंग मिडिल एंड जो सब होते हैं, वो किसी ने सोच समझ के रखे हैं, तो उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जब क्योंकि आपके पास उस चीज़ के राइट्स हैं। और क्योंकि बहुत ही अच्छी नॉवल है तो मज़ा आया उसे अडेप्ट करने में। ताहिर सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने काफ़ी हिट मूवीज़ दी है, लेकिन अब आप सुल्तान बनने की चाह में लगे हुए हैं, तो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? अभी वो तो हमें बाद में पता चलेगा आप सुल्तान बन रहे हो या नहीं, लेकिन अभी आपकी चाह तो वही है कि मुझे सुल्तान बनना है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी, बहुत ही खास। मैं ओरिजिनली दिल्ली का हूँ, और एक शहर छोड़ना और मुंबई आना सुल्तान बनने की राह में, और आपको इवेंचुअली 10 साल बाद एक ऐसा शो मिले एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जिनका काम देखकर आप बड़े हुए हैं, ये बहुत ही खास है। और एक ऐसा किरदार मिले जिसमें इतने सारे शेड्स हों, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, दोस्ती हो, प्यार हो, साथ साथ में विंटेज गाड़ियाँ, एक 60s का लुक, एक्शन, बंदूकें, तो ये ऑलमोस्ट एक बचपन का सपना है जो 13 अक्टूबर को पूरा होगा। जैसा आप बोला, आप बेसिकली दिल्ली से ही हो, तो जब आप ये मूवी सॉरी वेब सीरीज बना रहे थे, तो आपको क्या क्या यादें ऐसे ताज़ा हुई है दिल्ली, सुल्तान ऑफ दिल्ली के नाते? दिल्ली मतलब एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में एक किरदार है इस कहानी में, सुल्तान ऑफ दिल्ली में। ये हम जो सीरीज़ है, ये ऐसे लोगों के बारे में है जो सपने देखते हैं और एक इंडस्ट्री में आए हैं बाहर से, और कुछ अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर्सनल लेवल पर मैंने बहुत रिलेट किया, बिकॉज आई केम टू बॉम्बे विद ड्रीम्स टू बिकम समवन, एंड सो सिमिलर टू व्हाट अर्जुन इज इन सुल्तान ऑफ दिल्ली एज़ वेल। अंजुम सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपके करियर की शुरुआत टेलीविजन से हुई थी, लेकिन अब आप ऐसे वेब सीरीज दे दिए हो, इतने हिट वेब सीरीज दे दिए हो, और अब मिलन सर के वेब सीरीज में काम करने कर रहे हो, तो आप एक्सपीरियंस कैसा रहा टेलीविजन से? मिर्जापुर मैंने इससे पहले किया था। तो मेरी मतलब मुलाकात हुई मिलन सर से, मिलन सर ने मुझे बुलाया काम के लिए, मतलब इस शो के लिए उन्होंने मुझे इसकी कहानी सुनाई। और मेरे लिए, जैसा कि मैं मानता हूँ, हर एक्टर के लिए जो भी वो अपना काम करता है, वो अपने अपनी अपनी दिशा में अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है, और उसके सामने एक ऐसा एक करियर डिफाइनिंग मोमेंट आता है जहाँ पे उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, वो स्पेस क्रिएट की जाती है, जहाँ पे आपके पास एक स्केल, एक पैलेट, एक कैरेक्टर, एक इमेज खड़ी होती है। और सिनेमा में इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम कोई भी कहानी देखते हैं उसको इमेज के फॉर्म में देखते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर काफ़ी अरसे तक रहता है। जैसे मुझे बचपन से मुझे याद है, मैंने कच्चे धागे देखी थी, तो उसकी उसकी इमेज मेरे साथ आज तक है। तो वो समय जब मैं
ऐसे इंसान से, ऐसे डायरेक्टर से जिसका मैंने इनका इतना फॉलो किया, उनसे मिलना और एक ऐसा स्केल और ऐसी कहानी, ऐसा किरदार पाना, वो अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और एक ऐसा एक्सपीरियंस बना वो जिसमें आपके पास इतने सारे लेयर्स हैं, और उसमें कमाल की बात ये थी कि आपके लिए इतनी खुशी का मौका ये होता है कि जो काम आपने पहले किया है, अक्सर देखा गया है कि उसी तरह का काम फिर आपको आगे रहता है, लेकिन ये कैरेक्टर और ये किरदार इतना अलग है जो मैंने पहले किया है, तो मुझे उसको देखने में, उसको पाने में बड़ी खुशी महसूस हुई। और एक जिम्मेदारी भी थी कि जो चीज़ मिली है उसको सही तरीके से आप कर पाएँ। तो ऑल एंड ऑल एक ऐसा, और फिर ये तो काम की बात है, मतलब मिलन सर के साथ जब आप बैठेंगे तो उनके पास इतनी सारी कहानियाँ, किस्से और मटीरियल है। और मेरा पर्सनली बड़ा मन रहता है कि जैसे आपने काम तो कर लिया, लेकिन सिनेमा में इतने सालों में इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप किसी इंसान के ऐसे संपर्क में आते हैं कि आप कितना कुछ जान सकते हैं। तो मेरे लिए तो ऐसा होता था कि वो एक दिन जो हमें मिलता था शूट का, तो शूट की जितनी भी काम है बातें वो गई, अब ये दूसरी बातें कि यहाँ पे क्या था, वो क्या था, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस और आपके पास इतनी चीज़ें होंगी बाय द टाइम आप इस प्रोजेक्ट से बाहर जाएंगे। तो मेरा उन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था, हमने बहुत बढ़िया समय बिताया। तो मैं बस शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल इस एक्सपीरियंस के। ताहिर से फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे कि हमने ट्रेलर देखा है कि दो दोस्त साथ में सीरीज़ की शुरुआत करते हैं, फिर काफ़ी एडवेंचरस है, ट्रेन के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस ये स्टोरी किस तरीके से होगी? क्योंकि नॉर्मली इतने सारे वेब सीरीज़ आ गए हैं, स्टोरी इज़ अ मेन कॉन्सेप्ट कि काफ़ी ऑडियंस को कनेक्ट करे और रियल स्टोरी रहे, तो आप बता सकते हैं कुछ कि ये स्टोरी कहाँ तक लेके जाएगी? दो फ्रेंड जो दो दोस्त है वो एंड में भी दोस्त रहेंगे या क्या होने वाला है? ये तो आपने काफी स्पॉइलर मान लिया। अगर मैंने इसका सही जवाब दे दिया आपको तो शायद मैं अगले इंटरव्यू के लिए यहाँ ना बैठा हूँ। पर सही पहचाना आपने, दोस्ती एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस सीरीज का। इट वाज सच फन टू शूट, क्योंकि जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा, हम एक ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं और सर की एक मतलब जो इनकी पहली पिक्चर थी कच्चे धागे, उसमें बहुत मशहूर ट्रेन के सीक्वेंस है, और वो शूट करते वक्त हम अमृतसर में एक स्टेशन था जो पाकिस्तान से लास्ट स्टेशन है, वहाँ पर शूट कर रहे थे और बहुत प्रोडक्शन हैवी दिन था, पर वो गर्मी में लेदर जैकेट पहन के ट्रेन के ऊपर अगर आप बैठे हैं और मतलब पसीना, पर एट द एंड ऑफ द डे जो एक वो ख्याल था कि यार ये हमारा कच्चे धागे वाला मोमेंट हो गया। तो जब मतलब एक बचपन की याद है वो आप एक्चुअली उसको हकीकत में ऑन कैमरा जीते हैं, तो एक बहुत ही स्पेशल एडवेंचर जो कि आप 13 अक्टूबर को देखेंगे, जिसका अंत आपको जल्दी पता लग जाएगा। ओके सर, प्रिया मैम आपसे पूछना चाहूँगी, आपके जितने भी किरदार हमने देखे हैं, कैसे भी रोल्स हो, बट आपका मतलब जो आपका कैरेक्टर होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, और इसमें आपका कैरेक्टर किस तरीके से आप प्ले करने वाले कुछ हमें बताइए। सॉरी, क्योंकि कैसे प्ले करने वाले? ये इसमें आपका कैरेक्टर किस तरीके से हम देखेंगे? सो शंकरी एक बहुत ही पेचीदा कैरेक्टर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगेन, पर उसमें काफ़ी शेड्स हैं, वो फ्लर्टेशियस है, इंटेंस है, मिस्टीरियस है बहुत ज़्यादा। शी समन हु जो अपनी चॉइसेस पे निडर रहती है, और वो एक बैड मैन वर्ल्ड में अपना एक जगह बनाना चाहती है। She is not afraid to make difficult choices, to hurt people, or to even manipulate people if she has to get her ends, meet her ends. But at the same time, मुझे लगता है कि उसमें एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी, vulnerable, loving quality भी है कहीं ना कहीं, deep down. That's her main strength also. But she chooses to win. तो बहुत interesting character है मेरे लिए, and I'm just very very thankful to have had the opportunity. निशांत सर आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने थ्रिलर मूवी भी किया है, ड्रामा मूवी भी किया, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड मूवी भी आप कर चुके हो, लेकिन सुल्तान ऑफ दिल्ली में आपका काफ़ी अलग कैरेक्टर है, तो इसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में बताइए, और ये कितना अलग था आपके लिए वो बताइए। हाँ मतलब मैं लकी हूँ कि थोड़े से समय में मैंने काफ़ी अलग अलग जॉनर्स कर लिए हैं, कहीं थ्रिलर है, कहीं कोई स्पोर्ट्स फिल्म है, कहीं एक ग्रे कैरेक्टर है, कहीं बहुत ही पाक किरदार निभाया है। तो और जो हमारी जो एक सीरीज़ है, जो ये हमारी कहानी है सुल्तान ऑफ दिल्ली की, इसमें मैं एक
किरदार निभा रहा हूँ जिनका नाम है आरपी सिंह, और वो बिल्कुल नापाक हैं काफी काफी तो वो उनके लिए किसी भी कीमत पे उनके उनको जीतना जरूरी है, और वो जीतना सिर्फ इसलिए नहीं है कि मुझे सबसे आगे निकलना है, भाई कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नॉट बीइंग गुड इनफ की फीलिंग है कि जो उनके फादर साहब थे उनके कारण उन्होंने कभी भी उन्हें ऐसा लगता था बचपन में भी कि मुझे कभी उभरने नहीं दिया, तो उनको हमेशा ये लगता था कि मेरे को इनकी छत्रछाया से बाहर निकलना है, इनके नाम के अलावा अपना नाम बनाना है। तो वो जो एक चीज़ है वो उनकी खुद से अपने आप जंग है आरपी की कि मुझे तो उनको इतना फ़र्क नहीं है कि मुझे सुल्तान बनना है या मुझे बनना है, लेकिन वो वहाँ पहुँचना है क्योंकि उसे ये प्रूव करना है कि मैं हूँ, मैं एसपी सिंह का बेटा नहीं हूँ। वो लोग बोले कि ये आरपी सिंह का बाप है, तो उनकी वो अपनी खुद की टसल है जो अंदर ही अंदर चलती रहती है। मिलन सर, और आप सबसे मिलन सर आप सबसे पूछना चाहेंगे, ऐसे कोई मूवी होती है, वेब सीरीज होती है, वो रिलीज होती है, ऑन स्क्रीन आप लोगों की यादें रह जाती है, लेकिन ऑफ स्क्रीन अलग स्पेशल मोमेंट रहता है, तो आप सब कुछ शेयर करना चाहेंगे कि ऑफ स्क्रीन आप लोगों का क्या स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टार कास्ट है और भी स्टार कास्ट है, तो क्या कुछ आप लोग का स्पेशल मोमेंट था? मेरे ख्याल से बहुत सारे रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा बहुत इतने सारे लोग हैं इन्वॉल्व, काफ़ी काफ़ी मज़ा आया इसको बनाते हुए, और बहुत सारे कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं। शाम को हम लोग बैठते थे, जैसे इन्होंने कहा कि मैं काफ़ी किस्से सुनाता था और इनके बारे में थोड़ी जानकारी भी मिली उन दिनों, पर लेकिन कोई एक किस्सा ऐसा याद तो नहीं आ रहा है मुझे। अब तो बार बार या लॉट ऑफ फन मेकिंग द शो। आपसे सर नहीं हुआ, ये तो सर और मेरा एक इनसाइड जोक है, यानी कि इनसाइड जोक्स बहुत चलते थे आई नेवर रिमेंबर जो हमने हमारे शो में भी एक जगह यूज किया है, अगर आप ढूंढ लेंगे तो देखते हैं, आप शो देखिए तो आपको पक्का मिलेगा हमारा जोक का रेफरेंस शो के अंदर। जैसे कि आप दो दोस्तों की कहानी भी है इसमें, तो आपका ऑन स्क्रीन तो हमें दिख ही रहा है केमिस्ट्री, लेकिन ऑफ स्क्रीन कैसा था आपका केमिस्ट्री? ऑफ स्क्रीन भी बहुत बढ़िया था, और वो दोस्ती भी धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर्स की जो दोस्ती थी अर्जुन और बंगाली की, उसी से एक तरीके से उसने वहाँ पे जाके एक अपना एक दिशा पाई, वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई। लेकिन हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के काम के लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती, और कई सारे सीक्वेंसेस थे जो हमने एक साथ किए, जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जैसे हमने कहा ट्रेन का जो सीक्वेंस है, हमने कच्छ में एक एक्शन सीक्वेंस किया, मतलब करीब करीब ये मान लीजिए कि हमने सारे मौसम देखे इस शो को शूट करने में। हमने बारिश के दिनों में भी शूट किया है, भरी गर्मी में 47 डिग्री में भी शूट किया है कच्छ में, और हर तरह का ट्रांसपोर्ट हम ट्रक पे रहे हैं, गाड़ी पे रहे हैं, बाइक पे रहे हैं, ऊंट पे रहे हैं, ट्रेन पे रहे हैं, शिप पे रहे हैं, हवाई जहाज में रहे हैं, हम हर तरीके के ट्रांसपोर्ट में एक साथ रहे हैं, तो बहुत ही कमाल की जर्नी थी। कांट वेट यू गाइस टू सी इट ऑन 30th October। Center. To the right. Okay. Solo करते हैं। Thank you. No, चलो, take the actors. Only actors. अरे आप शाहरुख का करिए। अच्छा अच्छा। डीओपी अब से। हरिक। वो हो गया। English. सेंटर लुक, वो सेंटर नहीं है रे। डन 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 सोलो सोलो ही कर लेते मैम का पहले इंग्लिश ना चेक को अरे यार एक तो फोन दे दे। ओह माय गॉड गुड स्टे थैंक यू हाउ आर यू थैंक यू डन आई लिटरली आस्क्ड सर कम हाय सर व्हाट
थैंक यू अभी सही फ्रेम काफी आवाज भी सुनाई गई थैंक यू नेक्स्ट फोन नेक्स्ट खत्म हो गया भैया नहीं 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 पक्का पेंटर लुक सर पनिया वनिया नाइस टेलीफोन का थैंक यू सर थैंक यू अच्छा लिया ले लिया हमका